रायबरेली। जम्मू के रिशिया में बीती रात 9 जून को शिवखोड़ी से कटरा लौटते समय श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमले का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा। वहीं रायबरेली में आज बता दें कि विहिप ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की गई और शहर के शहीद चौक चौराहे पर विहिप के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंक कर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। प्राइम न्यूज के लिए राम भवन रायबरेली। सुरेश सिंह, जिला संयोजक बजरंग दल। क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? भाई साहब, ये 9 जून के दिन कश्मीर में आतंकी हमला किया गया जिसमें हमारे कई श्रद्धालु मारे गए, उसी के विरोध में आज पूरे देश में बजरंग दल ज्ञापन दे रहा है और पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है। क्या किया आप लोगों ने, क्या मकसद था इसका करने का? आज ये पुतला दहन किया गया है जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो जम्मू कश्मीर से कटरा जो शिवखोड़ी के पास जो घटना घटी है, जो बस का जो है वो घटना में आतंकवादियों ने जो घटना की है वो बस जो गिरी है और उस पर जो है 10 लोग मारे गए हैं। और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के युवा इकाई बजरंग दल के नेतृत्व में आज ये पुतला दहन का और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि संगठन ये कहना चाह रहा है कि महामहिम महोदया केंद्र सरकार को निर्देशित करें और कुछ ऐसा ठोस कानून या नियम कुछ ऐसे बनाने के लिए जिससे इस तरीके का जो आतंकवाद फल फूल पनप रहा है इस तरह ना पनपे, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा है आखिर ये इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा पोषित किया जा रहा है किस तरीके से इस तरीके का आतंकवाद किया जा रहा है, किसकी सह है, इस पर महामहिम महोदया संज्ञान में लेकर के केंद्र सरकार को अपने नियम कानून या जैसे भी हो फैसला करने के लिए बदलने के लिए कुछ करने के लिए उनको निर्देशित करें।